गए थे तो मेरे मन में पहले से एक था कि मैं कुछ आगे बढ़ूंगा, कुछ करूंगा, तो मैं ऐसे बच्चों के लिए एक ऐसा थिएटर बुक करूंगा। जब सिनेमा दिवस का जो ऐलान हुआ तो लास्ट ईयर भी हमने ऐसा ही स्लम के बच्चों के लिए किया था, तो इस बार भी मुझे भगवान ने मौका दिया है कि बच्चों को के साथ एक मूवी देखने का, तो मैं उसको अपने आप को खुद धन्यवाद मानता हूँ भगवान का कि मुझे ऐसा मौका मिला है कि बच्चों के साथ। और मैं कहना चाहूँगा सभी सेलिब्रिटी जो भी सिनेमा से जुड़े हुए हैं, राइटर हो या कोई भी, वो भी जाए ऐसे एरिया में अनाथ बच्चों के लिए और स्लम में जाए और ऐसे सिनेमा दिवस का वो सेलिब्रेशन करें, तो इसमें से कुछ लड़के भी कुछ लोगों को वो मोटिवेशन मिलेगा। मेरा नाम है रिदम जिटानिया। मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि अगले साल भी आप है ना ऐसे ही सिनेमा दिन है ना सेलिब्रेट करें और अनाथ बच्चों के साथ, खास करके एक्टर्स, डायरेक्टर्स और राइटर है ना, सब लोग सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। आपका बैकग्राउंड जानना चाहूँगा कि आपका बैकग्राउंड का राइटर भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं। हाँ सर, तो मैं पहले तो ऐसी परिस्थिति में आया, मैं 2012 में सुसाइड करने वाला था, उसमें से फिर मैंने सोचा कि मुझे स्वामी विवेकानंद के जीवन में से प्रेरणा मिली और आश्रम में से भी, तो फिर मैं आया एजे, मैंने कपड़े का शोरूम चालू किया था, उसमें से मैं एजे राइटर आया हूँ। मेरा हमें प्यार है वतन से गाना भी है वो, तो जो अमित मिश्रा जी ने गाया है, और अभी इंडस्ट्री में थोड़ा नया नया आया हूँ, आगे प्रयत्न करेंगे। बाकी तो सोशल वर्क है कि कुछ भी नया समाज को कुछ नया विचार देने का मेरा जो है। एज अ राइटर जो भी आपने काम किया है, एज अ सोशल वर्कर जो भी करते हैं आप, उसके बारे में फोकस कीजिए, क्या राइटर का तौर किया अभी तक और सोशल वर्कर का तौर किया है, उसके बारे में बताइए। हाँ, मैंने गुजराती में भी 2-3 गाने लिखे हैं और पर्यावरण के विषय ऊपर लिखे हैं। रियल इंडिया करके मैंने एक पुस्तक लिखी है, उसका हिंदी और इंग्लिश में दोनों में उसका वर्जन हुआ है, तो ऐसे इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। और सोशल वर्क में मैं कुछ नई एक्टिविटी करता हूँ, जैसे दिवाली पे राजकोट में मैं करता था कि बच्चों के साथ फटाखा और मिठाई दे के करेंगे हम, तो अभी क्या हुआ कि मुझे जाने की जरूरत नहीं, बहुत लोगों को ऐसा मैसेज पहुँचा, मैं 5 साल से करता था, तो अब राजकोट की कोई ऐसी पट्टी नहीं है कि जहाँ लोग नहीं जाते, तो मैं तो बहुत छोटा हूँ, लेकिन बड़े बड़े लोग भी जाते हैं, क्योंकि उनको एक मैसेज मिला कि हमको दिवाली सेलिब्रेशन ऐसे करना चाहिए, मेरा बर्थडे में अनाथ बच्चों के साथ वो सेलिब्रेट करता हूँ, तो ग्रुप के लोग जुड़े होते हैं, समाज में जब भी मैसेज जाता है तो बहुत लोग ऐसा करना चाहते हैं, जो पार्टियों में पैसा बिगाड़ रहे हैं वो भी, फिर एक उनको लगता नहीं नहीं हमें ये काम सोसाइटी के लिए करना चाहिए, तो ऐसे कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट में करता हूँ, क्योंकि मैं कोई NGO ऐसा लेके नहीं बैठ रहा हूँ कि जिसमें कोई दान देता है, मैं जो कमाता हूँ उससे से ही मैं करता हूँ, लेकिन मेरा मेन फोकस यह है कि समाज के सब लोग ये करें जिनके पास पैसा है, और पर्टिकुलर करें, कोई NGO तो करेंगे वो अलग बात है, लेकिन खुद से अगर कुछ करते हैं तो उसका आनंद कुछ अलग होता है। सुपर हीरो पे बेस्ड फिल्म आना कितना जरूरी है? इसमें ये सब लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि राजू भाई जैसे कर रहे हैं, लास्ट ईयर भी उन्होंने गुजरात में सेलिब्रेट किया था अनाथ बच्चों के साथ, इस बार मुंबई में कर रहे हैं, तो हर साल वो ऐसे ही सेलिब्रेट करते जाए, और सब एक्टर्स, डायरेक्टर्स और सबको ऐसा फोकस करना चाहिए ये चीज़ पर कि अनाथ बच्चों क्या मीन्स क्या उनको पसंद है क्या नहीं है, दिवाली, बर्थडे सब सेलिब्रेशन उनके साथ करना चाहिए, मेरा कहना ये है। अक्षय से जो भी फिल्म करते हैं ना, समाज को संदेश देता है, सामाजिक संदेश ना फिल्म के माध्यम से। हाँ, मैं विमिशन रानीगंज मूवी रखने का कारण ये है कि जो भी बच्चे आ रहे हैं वो स्लम में से आ रहे हैं, तो उनको मोटिवेशन की जरूर है, और पूरी मूवी के अंदर एक मोटिवेशन है कि हम देश के लिए, समाज के लिए और मानवता के लिए क्या कर सकते हैं, खुद मर भी सकते हैं अगर उनको बचाने के लिए, तो मेन यही है। और सिनेमा दिवस के लिए एक्टिंग वर्कशॉप अनाथ बच्चों के लिए स्लम के अंदर होने चाहिए, ऐसे सब वर्कशॉप भी फ्री में हो, एक्टर उनको जाके मिले, तो मूवी के अंदर बहुत सोशल मैसेज है, देश प्रेम के भी मैसेज है, ऐसे मूवी है बनती रहनी चाहिए। और अक्षय जी ने तो बहुत सारी मूवी की है, उन्होंने हमने बहुत सारी मूवी देखी है जिसमें मैसेज है, सोशल मैसेज है, तो बहुत। और इससे अभी जो पूरा हमारा जो सोसाइटी है, जो यूथ है, वो इस पर फोकस करता है कि हीरो क्या कर रहा है, तब जो मूवी में से मैसेज मिलता है ना, तो वो एक अच्छी बात है समाज के लिए। मैं कहना चाहता हूँ